24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सपा और बसपा के गठबंधन के बाद आजम खान का मुसलमानों के लिए सियासी प्रेम जागता दिख रहा है। गुरुवार को सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने बड़ा बयान देते हुए मुसलमानों को दलित से भी बदतर बताया है। वहीं आजम ने बताया कि उन्होंने सच्चर कमीशन से मुसलमानों को दलित की श्रेणी में करने की मांग की थी, ताकि वो उन्हें भी वह सहूलतें मिल जाएं जो दलितों को मिलती हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को हल्के से लिया गया तो जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के लोगों ने सड़कों पर आकर अपना हक मनवाया है, कहीं ऐसा ना हो कि देश की दूसरी बड़ी आबादी, जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं, वो भी अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर उतर जाए। रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।